दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से जुड़ा अपडेट है वो शेयर करेंगे यहाँ पे जो पटिशनर है वो एक स्ट्रीट वेंडर है ठीक है एंड रिसेंटली बिकम अवेयर उसे पता लगा है कि उसके नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया है विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट यानी कि उसे नॉलेज ही नहीं है कि उसके नाम पर जी नंबर है पेटिशनर का कहना है कि वो फूड आइटम सेल करता है एक स्टॉल है उसका ही क्लेम दैट ही वैलिड वेंडिंग सर्टिफिकेट उसके पास है द पेटिशनर क्लेम दैट ही वॉज ऑप्टेनिंग जी एस टी रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस बिजनस कैरिड आउट फ्रॉम स्टॉल एंड इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जब वो अप्लाई कर रहा था जी एस टी रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस दौरान उसे पता चला ए फॉर्म बाई नेम ऑफ मैसर शील इंडस्ट्री ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके नाम पर जिसने कि उसका आइडेंटिटी कार्ड मिस यूज़ किया है फॉर्म रजिस्टर्ड है विथ जी एस टी डिपार्टमेंट एंड वो अभी भी एक्टिव है पटिशनर क्लेम दैट ही अ प्रिंस दैट अ डिमांड फॉर जी एस टी में बी रेज अगेंस्ट हिम ऑन अकाउंट ऑफ फ्रोडुल एंड एक्शंस ऑफ द पर्सन जो कि उसके नाम पर रजिस्टर्ड है अब उसके किसी भी फ्रोडुल एंड एक्शन की वजह से पटिशनर को डिमांड आ सकती है अन नोन पर्सन हैज़ नॉलेज रिटर्न फाइलिंग हो रही है पटिशनर रे रिप्रजेंटेशन दी डेली पुलिस को जो कि अभी पेंडिंग है उसका कहना है कि उसने आइडेंटिटी कार्ड आधार एंड पैन नंबर अपने फ्रेंड को दिए थे लोन के लिए पटिशनर बिलीव हिज डॉक्यूमेंट हैज़ बिन मिस यूज़ किया गया है उसके डॉक्यूमेंट्स को पटिशनर हैज़ नोट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द फ्रेंड उसने पटिशन में डिस्क्लोज नहीं किया है डिपार्टमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन दटिशन एज द रजिस्ट्रेशन जो है वो जी एस टी अथॉरिटी से ऑप्टेन किया गया है अब यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर किया है पटिशन बी ट्रीटेड एज रिप्रजेंटेशन बाय कमिश्नर जी एस टी स्टेट अथॉरिटी ठीक है और साथ ही यहाँ पर ऑर्डर किया गया है पटिशनर को टू रिवील करे अपने फ्रेंड का नेम जिसने उसके जी एस टी Uh, जो है फ्रॉड से लिए थे तो डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है एंड पटिशनर शेल फुली कॉपरेट विद द अथॉरिटी एंड प्रोवाइड दैम ऑल द इंफॉर्मेशन जो उसके पास है तो दोस्तों कहने का मतलब ये है इस अपडेट के शेयर करने का कि अपनी कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें क्योंकि यहाँ पे जो एक फ्रेंड के साथ शेयर किए गए थे उसी ने ये डॉक्यूमेंट्स मिसयूज़ किए तो बहुत ही केयरफुली आप अपने जो पर्सनल जो आइडेंटी कार्ड्स हैं उनको शेयर किया कीजिए क्योंकि आपके नाम पर भी इस तरह के फ्रॉड्स या आपके भी जो आईडी प्रूफ्स हैं उनका मिसयूज़ किया जा सकता है जैसा कि इस केस के अंदर हुआ